हेलो एंड नमस्ते। आशा है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, और अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे व्हाट इज लॉ। तो हम सबसे पहले लॉ के बारे में, लॉ का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि लॉ क्या होता है। लेट अस लुक सम डेफिनेशन, ठीक है, ऑफ लॉ टू अंडरस्टैंड इट्स रोल इन द सोसाइटी। तो अगर सोसाइटी में हम लॉ की रोल की बात करें तो इसको हमें समझना है। ठीक है, तो क्यों लॉ बनाया गया है, क्यों इसकी वैलिडिटी है इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी। वंस वी नो दैट व्हाट इज लॉ, एक बार हम देख लेंगे कि लॉ क्या है, तब हम सीखेंगे व्हाई वी नीड इट। ठीक है, क्यों हमको चाहिए लॉ। वी आर ऑन द राइट पाथ टू अंडरस्टैंड इट्स प्रॉपर एप्लीकेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम व्हाट इज लॉ। तो लॉ इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट टू गवर्न बिहेवियर। किसी बिहेवियर को गवर्न करने के लिए स्टेट द्वारा कुछ गाइडलाइंस और रूल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, और इसी सिस्टम को हम लॉ बोलते हैं। तो अगर इस पूरे डेफिनेशन को हम तोड़ के बांट के पढ़ना चाहें तो हम क्या कहना चाहते हैं कि वो स्टेट के द्वारा बनाए गए वो रूल्स एंड रेगुलेशन, वो रूल्स और गाइडलाइंस जो कि एक पर्टिकुलर स्टेट को गवर्न करने के लिए यूज़ कर किए जाते हैं कि वहाँ पे उनके राइट्स क्या हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, और विच आर द प्रिंसिपल्स एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर सोसाइटी। तो वो डिफाइन करता है हमारे लॉ को। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तो लॉ में क्या है कि लॉ द सिस्टम ऑफ रूल्स विच अब देखिए, एक पर्टिकुलर कंट्री वो सिस्टम ऑफ रूल्स को अपनाती है। ठीक है, देखिए लिखा है द सिस्टम ऑफ रूल्स विच अ पर्टिकुलर कंट्री और अ कम्युनिटी रिकॉग्नाइज। वो सिस्टम ऑफ रूल जो पर्टिकुलर कम्युनिटी और कंट्री, याद रखिएगा कंट्री और उसके साथ साथ वो पर्टिकुलर कम्युनिटी रिकॉग्नाइज करती है फॉर रेगुलेटिंग द एक्शन ऑफ इट्स मेंबर। जब वो अपने मेंबर्स के एक्शन को रेगुलेट करना चाहती है, ठीक है, वो सिस्टम्स, वो रूल्स, ठीक है, एंड विच इट मे इन्फोर्स बाय द इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी। और ये सब कैसे इम्पोज करती है, थ्रू पेनल्टीज। ठीक है, आपको पता है कि किसी पर्टिकुलर लॉ को वॉयलेट करने पे आपको पेनल्टी लगेगी, तो वो पेनल्टी के थ्रू इम्पोजिशन करती है। देन द बॉडी ऑफ द प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये सब क्यों करती है, ये जो बॉडी ऑफ द प्रिंसिपल्स हैं जो रिकॉग्नाइज कर रहा है एक पर्टिकुलर स्टेट और उसे अप्लाई कर रहा है, ये सब है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के तरीके। ठीक है, ताकि लोगों को जस्टिस मिल पाए और वो एडमिनिस्टर करा जा सके इन अ पर्टिकुलर स्टेट। देन लुकिंग एट दिस डेफिनेशन नाउ वी नो दैट लॉ इज। तो आपको इस डेफिनेशन से कुछ पर्टिकुलर बुलेट पॉइंट्स अपने दिमाग में याद रखने हैं, जैसे कि इन्फोर्स बाय द स्टेट। लॉ क्या है, लॉ वो चीज़ है जो कि स्टेट इन्फोर्स करता है। यहाँ याद रखिएगा आपका स्टेट पर्टिकुलर कंट्री की बात की जा रही है। ठीक है, स्टेट का मतलब यूपी या एमपी से नहीं है, यहाँ पे पर्टिकुलर कंट्री की बात की जा रही है, और एज वेल एज जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनकी भी बात की जा रही है। तो स्टेट एक इंटीग्रल यूनिट की तरह यहाँ काम कर रहा है। ठीक है, एक तो आपको याद रखना है बुलेट पॉइंट कि क्या है, ये इन्फोर्स करेगा बाय द स्टेट, देन रेगुलेटेड बाय द स्टेट। ये सारी चीज़ें रेगुलेट भी स्टेट करेगा। टू गवर्न आवर रिलेशन विद अदर्स एज वेल एज द स्टेट एंड इन केस ऑफ एनी ब्रीच बायस। अब देखिए, हमारे जो रिलेशंस हैं और हमको, ठीक है, ये सारी चीज़ों को गवर्न करने के लिए बनाए गए हैं ये पर्टिकुलर लॉज, और उसके साथ साथ अगर इनका ब्रीच होता है, ठीक है, अगर इनका वॉयलेशन होता है, इट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर पेनल्टीज। तो ये पेनल्टीज भी लगाएगा। दिस ऑल्सो मीन वी कांट बी अवॉर्डेड एनी पनिशमेंट विच द लॉ डज नॉट प्रोवाइड फॉर। यानी कि हमें पनिशमेंट वो नहीं मिलेगी जो लॉ, मतलब जो लॉ नहीं बता रहा है, लॉ जो बताएगा पनिशमेंट, वही पनिशमेंट्स हमको दी जाएंगी ऑन दियर वॉयलेशन। ठीक है, ये याद रखना है। देन अनदर प्रिंसिपल ऑफ लॉ विच यू मस्ट रिमेंबर इज दैट इज इग्नोरेशिया ज्यूरिस नॉन एक्यूसैट। अब इसका मतलब क्या है, तो ये एक लीगल मैक्सिम है। ठीक है, ये एक लीगल लैंग्वेज है, और आई होप आप
इसको समझ रहे होंगे, ठीक है. इग्नोरिशिया ज्यूरिस नॉन एक्यूसैट एस्क्यूसैट, तो इसका मतलब है विच स्टैंड्स टू मीन दैट इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नॉट एक्सक्यूज, इज नो एक्सक्यूज. जो लॉ को इग्नोर करेगा उसको कोई एक्सक्यूज देने की ज़रूरत नहीं है. मतलब क्या है कि अगर आप एक लॉ को इग्नोर करते हो और उसे वायलेट करते हो तो आप उसमें फिर एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते कि मेरी गलती नहीं थी और आपको भी पता है दैट यू हैव वायलेटेड द लॉ, ठीक है, और इस वजह से आपको पेनल्टी लगेगी. तो इसका मतलब है इग्नोरेशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूसैट. देन हेंस टुमारो If I steal something and claim that I wasn't aware theft was a crime, देखिए अगर मान लीजिए कि मैंने कोई चोरी कल को की और ये मैं बोल रही हूँ कि मुझे पता ही नहीं था कि theft जो होता है, जो चोरी होती है, वो एक crime है, of course the court will not take this plea. तो उस केस में ऐसा नहीं है कि कोर्ट बोलेगा नहीं ये innocent है because he or she does not know about this particular crime, ऐसा नहीं है, ठीक है. आप उनकी नज़रों में आपने वॉयलेट किया है लॉ को और इस वजह से आप उसके पर्टिकुलर पनिशेबल होगे, जो भी उसका ऑफेंस होगा उसके लिए आपको पनिश किया जाएगा. इफ देयर इज अ लॉ यू आउट टू बी अवेयर ऑफ इट, अगर कोई लॉ है ना तो अगर आप लिटरेट हो इलिटरेट हो चाहे जैसे भी हो बट आपको पता है दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, और अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो आपकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. उसमें आप ये नहीं बोल सकते दैट आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट. दैट्स अनदर ड्यूटी लॉ puts on us. तो ये एक तरीके की हमारी ड्यूटी है, ठीक है. आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ते हो तो उसमें भले ये इंक्लूडेड नहीं है लेकिन आपको एक ये कोर आइडिया समझना है इसका कि यू आर अ ह्यूमन बींग और आपको अपने थोड़े जो इंटेलेक्ट हैं वो लगाने चाहिए. और कैसे आप डेसिफर करोगे दैट द आई एम डूइंग दिस पर्टिकुलर टास्क विच इज़ द वॉयलेशन ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन या फिर पर्टिकुलर लॉ, ठीक है. तो आपको बहुत ध्यान में रख के कोई एक्शन लेना है इन अ सोसाइटी, अगर आप सोसाइटी में रहते हो तो. फिर अगर हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ लॉ की, तो देखिए लॉ के सोर्सेज क्या हैं. नाउ दैट वी नो लॉ, अब हमको लॉ के बारे में तो पता चल गया कि लॉ की एक क्लियर कट डेफिनेशन अगर लिखने को आती है तो वी कैन राइट एंड इट्स वेरियस एस्पेक्ट्स. लेट्स डाइव इन टू द सोर्सेज. अब हम सोर्सेज पढ़ेंगे बट बिफोर दैट लेट्स डू अ लिटिल थिंकिंग. अब कुछ चीज़ें हमें सोचनी हैं जैसे कि कस्टम्स लेजिस्लेशन प्रोसीजर ये सब क्या है. तो वॉट कैन बी द सोर्स ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू यू, आपके अकॉर्डिंग सोर्स ऑफ लॉ क्या है कॉमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर. देन शुड दीज सोर्सेज बी डायनेमिक लाइक ऑल द लॉज और दे शुड बी रिजिड, क्या ये जो सोर्सेज हैं ये डायनेमिक हैं, मतलब ये चेंज होते रहते हैं. डायनेमिक का मतलब क्या होता है, दैट दे आर ग्रोइंग बाय डे बाय डे, ठीक है, और दे शुड बी रिजिड या फिर ये रिजिड है, इनको एक बार बनाने के बाद छेड़ा नहीं जा सकता. हाउ मैनी सोर्सेज आर देयर, ये कितने तरीके के हैं, ये सारे आंसर्स हम अपने फर्दर अभी आगे लेक्चर में देखेंगे. इन द वर्ल्ड ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म, ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म का वर्ड है, अब ये जुडिशियल एक्टिविज्म से आपको क्या समझ में आता है, तो जुडिशियल एक्टिविज्म अगर ये वर्ड हम तोड़ें तो आपको पता चल रहा है जुडिशियल का मतलब है जुडिशरी यानी हमारी जो न्यायिक संस्था है, और हमारा एक्टिविज्म क्या है कि वो कितने विजिलेंट हैं, वो कितने एक्टिव हैं, जागरूक हैं, कि वो खुद से ही, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ का एक लॉ बनाया गया हो, वो खुद से ही नेचुरल जस्टिस का एयर्स नेचुरली का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करते हैं. एज यू नो कि ये एयर्स नेचुरली जो वर्ड है, ठीक है, ये एयर्स नेचुरली वर्ड, दिस वर्ड इज इट्सेल्फ हैज मेनी मीनिंग, इसकी खुद में ही बहुत ज़्यादा मीनिंग है. मतलब कि जब आप पर्टिकुलर लॉ को देख रहे हो और आपको पता है कि इस पर्टिकुलर टास्क पे लॉ बनाया ही नहीं गया है तो उस टाइम पे जुडिशरी खुद से ही अपनी एक्टिव नेचर दिखाती है और उसको हम जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं. और इसी तरीके के हम और भी टर्म यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सिर्फ जुडिशियल एक्टिविज़म हो, पॉलिटिकल एक्टिविज़म भी हो सकता है ना, जो पॉलिटिशियंस को अपनाना चाहिए. देन ऐसे ही और भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव
लेजिस्लेटिव एक्टिविज्म भी हो सकता है. तो इट हैज मेनी मीनिंग. देन डू वी नीड एंशियंट सोर्सेज इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड और वी कैन डू विदाउट देम नाउ? क्या हमें एंशियंट सोर्सेज की ज़रूरत है या फिर हम उसके बिना ही इस लॉ के डायनेमिक नेचर को या सोर्सेज ऑफ लॉ को कंटिन्यू कर सकते हैं? आवर इंटायर सेट ऑफ लॉ हैव बीन डिराइव फ्रॉम नॉट जस्ट वन बट वेरियस सोर्सेज. अब देखिए, आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जो लॉ अपने अंदर इनहेरिट करे हुए है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सेट से नहीं आया है. यू नो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मिक्सचर है कई देशों के कॉन्स्टिट्यूशन का. तो उसी तरीके से जो हमारे लॉज हैं वो भी ब्रिटिश के टाइम से कई लॉज चले आ रहे हैं. Each of the mere different from the other and uniquely contributing to our legal system. हर एक law different है एक दूसरे से और uniquely contribute कर रहा है हमारे legal system में. ठीक है, अब हम कुछ particular देखते हैं कि क्या क्या sources हैं. तो sources of law की अगर हम बात करते हैं तो आप एक ये बहुत अच्छे से diagram से इसको याद रख सकते हो कि पहला है हमारा customs, यानी जो रीति रिवाज चले आ रहे थे वो अब लॉ में कन्वर्ट हो गए, जैसे कि आप हिंदू मैरिज एक्ट जानते हो. देन लेजिस्लेशन विच आर डन बाय आर पार्लियामेंट. देन प्रेसिडेंट्स, जो प्रेसिडेंट्स हम देखते हैं वो पर्टिकुलर केस लॉस की, उनकी जो सोर्सेज वो भी एक तरीके के हमारे सोर्सेज हो जाते हैं. देन इंग्लिश लॉ. ठीक है, इंग्लिश लॉ ये थे ब्रिटिश के टाइम के लॉस. ठीक है, तो ये इंग्लिश लॉ भी हो जाता है हमारा. देन रिलीजन के बेसिस पे भी हमारा ये एक सोर्स ऑफ लॉ है. साइंटिफिक कमेंट्रीज. ठीक है, जो साइंटिफिक कमेंट्रीज आती हैं, मतलब एक पर्टिकुलर मार्क्स ने क्या कहा, महात्मा गांधी के क्या कॉन्सेप्ट्स थे, जवाहरलाल नेहरू के क्या थे, अंबेडकर जी के क्या थे, इनके जो साइंटिफिक कमेंट्रीज थी उन वो भी हमारे एक तरीके के सोर्स ऑफ लॉ हैं. देन इक्विटी, ये भी हमारा क्या है, सोर्स ऑफ लॉ है. तो अगर आपको सोर्स ऑफ लॉ की कभी डेफिनेशन लिखने को आ जाए या फिर आप उसको डायग्रामेटिकली दिखाना चाहते हो तो यू कैन यूज़ दिस डायग्राम. ठीक है, अब हम एक एक करके सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. व्हाट इज़ कस्टम? तो पहले तो व्हाट इज कस्टम. बीइंग इन इंडिया वी ऑल नो द रोल ऑफ कस्टम प्ले इन आवर लाइव्स एंड इन द रेगुलेशन ऑफ आवर बिहेवियर. आप इंडिया में अगर रहते हो तो आपको पता है कि कस्टम्स आपके लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. आप पर्टिकुलर किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आपके बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं वो. दो सच कस्टम्स लाइक सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज एक्सेट्रा हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट. अब देखिए, कस्टम्स दो तरीके के हो जाएंगे. वन इज़ योर पॉजिटिव कस्टम्स, ठीक है, और अनदर इज़ नेगेटिव कस्टम्स. तो जो नेगेटिव कस्टम्स थे वो क्या थी, सती प्रथा थी, चाइल्ड मैरिज थी, जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही थी सोसाइटी पे. और इसी वजह से इससे रिलेटेड हमारे सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स भी हुए विच आर हेल्ड बाय आवर प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज लाइक राजा राम मोहन रॉय, दीपेंद्र नाथ. ठीक है, तो इन सबके द्वारा चलाए गए सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स भी थे ताकि ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं, ये जो नेगेटिव कस्टम्स हैं हमारी सोसाइटी पे, उसको रिड ऑफ कर दिया जाए. एंड हैव बीन डन अवे विद. अदर कस्टम्स हैव बीन सेफ्ड कीपिंग इन माइंड दैट दे आर बीइंग स्ट्रांगली अवॉइडेड बाय द पीपल एंड हैव ब्रॉट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी. तो जो अलग कस्टम है, जो दूसरे कस्टम है, वो इसलिए अभी तक रखे गए हैं बिकॉज दे आर पुटिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन आर सोसाइटी. ठीक है, जैसे कि मैरिज का कस्टम अभी भी है. आपको पता है कि हिंदू लॉ में जो हिंदू की मैरिजेस होती हैं उनको सैक्रामेंट माना जाता है. ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप कोट कर सकते हो इसको, कि जो हिंदू मैरिजेस होती हैं दे आर सैक्रामेंट इन नेचर. ठीक है, वो सैक्रामेंटल होती हैं, यानी जो इनको पवित्र माना गया है. जबकि जो मुस्लिम मैरिजेस होती हैं दे आर अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, ये एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो आपको यहाँ से ये याद रखना है. ठीक है, देन
फिर देखिए कस्टम्स क्या है, तो कस्टम्स हैव बीन डिनाइड, देखिए लिखा है अ कस्टम कैन बी डिफाइंड एज द एस्टैब्लिशमेंट एस्टैब्लिश पैटर्न ऑफ बिहेवियर फॉलोड बाय अ पीपल ओवर जनरेशन. एक एस्टैब्लिश्ड पैटर्न है कस्टम, ठीक है, और ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालता है. ये जब फॉलो होता रहता है तो एक सडन जो हमारे सोसाइटी पे है वो इम्पैक्ट वो डालता है. ओके, तो कस्टम क्या है, कस्टम इज कैन बी डिफाइंड एज एस्टैब्लिश्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर फॉलोड बाय पीपल ओवर जेनरेशन. जब वो जेनरेशंस फॉलो कर लेती हैं तो वो हमारा पर्टिकुलर कस्टम बन जाता है. इट इज़ एन एंशियंट फॉर्म ऑफ सोर्स, ये एक एंशियंट फॉर्म ऑफ सोर्स है, आपको पता है ये एक एंशियंट फॉर्म ऑफ सोर्स है. द हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955, दिस ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये ईयर डायरेक्टली हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि ये हिंदू मैरिज एक्ट कब आया. आपको चार ऑप्शंस दे देगा, तो आप इसको कर सकते हो कि ये आ सकता है 1955. तो हिंदू मैरिज एक्ट हैज़ बीन अ रिजल्ट ऑफ वेरियस कस्टम्स रिलेटिंग टू द मैरिज बीइंग कोडिफाइड इनटू अ प्रॉपर लेजिस्लेशन. तो जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसने हिंदू के जो कस्टम्स हैं मैरिज से रिलेटेड उनको एक प्रॉपर लेजिस्लेशन में बदल दिया है, ठीक है, उसके लिए एक पर्टिकुलर लॉ बना दिया है हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955. However, a custom to be given the force of law must fulfill certain requirement which are as follows. अब देखिए अगर एक custom को आपको as a force of law बनाना है, मतलब law की तरह enforce करना है, तो उसको कुछ requirements हैं जो कि fulfill करने ही चाहिए, ठीक है. अगर आपको custom को law बनाना है, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रही हूँ, अगर आपको custom को law बनाना है तो आपको कुछ particular requirements हैं which you should, ठीक है, जो हमको फॉलो ही करने हैं. क्या है, पहला इट मस्ट बी एंशियंट, वो एंशियंट होना चाहिए यानी वो पुराना होना चाहिए, ठीक है, वो फॉलो होता आना चाहिए जनरेशन ओवर जनरेशन. देन सेकेंड क्या है, इट मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट, सर्टेन होना चाहिए और डेफिनेट होना चाहिए, ठीक है. आप इनडेफिनेट या अनसर्टेनिटी को कोई अपना कस्टम नहीं बना लोगे अचानक से, ठीक है, वो सर्टेन होना चाहिए और डेफिनेट होना चाहिए. और थर्ड क्या है, इट मस्ट हैव बीन कॉन्टिन्यूसली इन प्रैक्टिस, यानी इसमें कॉन्टिन्यूटी बरकरार होनी चाहिए. एक पर्टिकुलर कस्टम को आप लगातार हर साल उसी रीति रिवाज से फॉलो कर रहे हो अगर, तो वो हमारा कस्टम बन जाएगा, ठीक है. इट मस्ट हैव बीन कॉन्टिन्यूसली इन प्रैक्टिस, और उसके साथ साथ इट मस्ट नॉट बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए. अब अगर आप सती प्रथा अपना रहे हो, एंशियंट टाइम से वो भी थी, सर्टेन एंड डेफिनेट थी, कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस थी, ठीक है, और पब्लिक पॉलिसी को अपोज तो कर रही थी वो, क्योंकि लोगों की यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, ठीक है, वुमेन्स के साथ गलत हो रहा था, तो यहाँ पे वो उसका जो पर्टिकुलर क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं कर पा रही थी. और क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी रीजनेबल, तो सती प्रथा तो रीजनेबल थी नहीं, है ना, तो रीजनेबल भी होना चाहिए आपका कस्टम. और क्या होना चाहिए इसके साथ साथ, इट मस्ट बी इन कन्फॉर्मिटी विद द लॉ ऑफ लैंड, और ये कन्फर्म होना चाहिए लॉ ऑफ लैंड से. मतलब अगर आपका जो लॉ ऑफ लैंड कह रहा है उससे रिलेटेड आपका ये पर्टिकुलर कस्टम भी कन्फर्म होना चाहिए, देन दैट पर्टिकुलर कस्टम कैन बिकम अ लॉ, ठीक है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ पर्टिकुलर लेजिस्लेशन. तो आपको यहाँ से ये चीज़ याद रखनी है. अब देखिए कस्टम्स भी होते हैं दो टाइप के, एक होता है हमारा लोकल कस्टम, एक होता है हमारा जनरल कस्टम. आपको ये पर्टिकुलर नॉलेजेस होनी चाहिए. आई नो इतना ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे इन द एग्जामिनेशन, बट फिर भी आपको ये जो कोर आइडिया है ये होना ही चाहिए, ठीक है. लोकल कस्टम क्या है, आर दोज टाइप ऑफ कस्टम विच एग्जिस्ट इन अ सर्टेन जियोग्राफिकल लोकेलिटी. अब आप साफ साफ देख रहे हो उसके नाम में ही लोकल है, तो मतलब एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेलिटी से रिलेटेड होना चाहिए ये, एंड आर दस पार्ट ऑफ द प्लेस कल्चर, और फिर धीरे धीरे वो उस पर्टिकुलर प्लेस का कल्चर बन जाता है. इट इज स्पेसिफिक टू दैट प्लेस अलोन, और फिर वो उस प्लेस के अलोन ही स्पेसिफिक हो जाता है. जैसे कि कोई ट्राइब्स हैं, वो ट्राइब्स नागा ट्राइब्स हो गई, एक पर्टिकुलर फेस्टिवल मना रही हैं, तो वो जो फेस्टिवल हो जाएगा, जैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल्स होते हैं, जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो हमारे नागालैंड में मनाया जाता है,
तो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल जो हो जाएगा वो उनका एक कस्टम का पार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो उन्हीं के लिए स्पेसिफिक है, उन्हीं के प्लेस के लिए। वो यूपी में नहीं मनाया जाएगा आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है, वो पर्टिकुलर वही नागालैंड के लोग ही मनाएंगे। तो यहाँ से आपको वो चीज़ समझनी है कि किस तरीके से एक लोकल कस्टम हो जाता है, एक जनरल कस्टम हो जाता है। अब देखिए, अ जनरल कस्टम इज़ अ कस्टम दैट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू अ सिंगल लोकेलिटी बट रादर इट इज़ फॉलोड बाय द होल नेशन और अ कंट्री। तो जैसे होली हो गई, है ना, जब हम होली मनाते हैं या फिर दिवाली मनाते हैं, तो वो क्या है, एक पूरी कंट्री उस वक्त मना रही होती है। कई तो आप मुस्लिम कल्चर में भी आप होली और दिवाली मनाते हुए देखोगे उनको, तो वो भी उस चीज़ का वो क्या हो गया, वो एक जनरल कस्टम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेसिफर कर सकते हो इसके बीच में। देन लेजिस्लेशन की बात करते हैं, ये भी हमारे सोर्स ऑफ लॉ है। टुडे लेजिस्लेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लॉ। आज के युग में सबसे बड़ा सोर्स ऑफ लॉ लेजिस्लेशन है, ये आप जानते हो। दीज टर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द टर्म लेजिस्लेशन मीन्स द मेकिंग और द सेटिंग ऑफ द लॉ। लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है, मेकिंग, लॉ को बनाना या फिर उसको सेट करना, उसको एक फॉर्म में सेट करना। इट इज़ द डिक्लेरेशन ऑफ लीगल रूल्स बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये वो लीगल रूल्स हैं जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी देती है, ठीक है, डिक्लेयर करती है। बट वॉट इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, बट ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती क्या है, इज देयर जस्ट वन अथॉरिटी और मोर देन वन। तो ये सब आपके दिमाग में आने चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट हो देन यू मस्ट हैव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन योर माइंड। तो क्या है, ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, होती कौन है, देन ये एक है या फिर कई होती हैं। तो आपको पता है द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर आर द बॉडीज मेकिंग लॉ फॉर अस। तो हमारी जो पार्लियामेंट है और जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं वो हमारे लिए लॉज बना रहे हैं, बेटर रनिंग ऑफ आर गवर्नमेंट, ताकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से रन कर पाए। दीज बॉडी इंट्रोड्यूस डेलिबरेट डिस्कसेस एंड मेक लॉ। तो देखिए, तीन तरीके से होती हैं पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन में चीज़ें। तो जो अथॉरिटीज़ हैं वो तो आपने देख ली कौन है हमारी, और ये एक से ज़्यादा हैं, ठीक है। और ये क्या करती हैं, ये डेलिबरेशन करती हैं, डिस्कशन करती हैं और फिर लॉ बनाती हैं। तो मतलब आपका ये नहीं है कि पर्टिकुलर उठाया टॉपिक और लॉ बना दिया, नहीं, उस पर डेलिबरेट करेंगे, डिस्कस करेंगे, अगर सहमति है तो पास होगा, नहीं है तो फिर वो स्ट्रक डाउन हो जाएगा, फिर वो फर्दर दूसरे हाउसेस में जाएगा, ऐसे करके पूरा एक प्रॉपर प्रोसेस चलता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। विद दिस इंफॉर्मेशन लेट्स डू अ लिटिल थिंकिंग। अब कुछ चीज़ें हम अपने दिमाग में ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, सोचते हैं कि क्या है, व्हाट वाज द लॉ, व्हाट वाज द लास्ट लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने आखिरी लॉ कब पास किया था, प्लीज़ आंसर मी दिस इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, इसको ज़रूर बताइए कि पार्लियामेंट ने आपको, जहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन का ब्लॉक दिया हुआ है वहाँ पे आप इसको बताइए, इसको आंसर करिए, व्हाट वाज द लॉ, लास्ट लॉ पास बाय द पार्लियामेंट, हैज़ इट ब्रॉट एनी चेंजेस इन द सोसाइटी, क्या इसने कोई चेंजेस लाए कोई सोसाइटी में हमारी, ठीक है। देन हैज़ द पार्लियामेंट मेड एनी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इन एनी ऑफ प्रेजेंट लॉ, क्या किसी भी अभी के किसी प्रेजेंट लॉ में पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट लाए हैं, चेंजेस लाए हैं, ठीक है, तो उसको आप देखिए क्या पर्टिकुलर कोई चेंजेस लाए हैं। जैसे कि अभी वुमेन की जो एज थी वो मैरिज एज वो 21 करने की बात की जा रही थी, ठीक है, तो क्या ये पास हुआ है, नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, तो ये सारी चीज़ें अब आपके दिमाग में आनी चाहिए ताकि उस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्लैरिफाई हो जाऊँगा, इफ़ येस देन वाई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और उसके साथ साथ वाइल यू स्टडी दीज डोंट फॉरगेट टू लुक इन टू द वर्किंग ऑफ योर स्टेट लेजिस्लेचर। जब आप पढ़ रहे हो ये सारी चीज़ें तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वर्किंग भी देखनी है स्टेट लेजिस्लेचर की, कि स्टेट लेजिस्लेचर आखिर कैसे पास कर रहा है एक पर्टिकुलर लेजिस्लेशन को। अगर हम टाइप्स ऑफ लेजिस्लेशन की बात करते हैं, ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ लेजिस्लेशन की बात करते हैं तो देयर आर टू काइंड्स। एक तो हमारा होता है सुप्रीम लेजिस्लेशन, व्हेन द सॉवरेन अथॉरिटी इट्सेल्फ मेक द लॉ, यानी कि वो सुप्रीम लेजिस्लेशन जो सॉवरेन अथॉरिटी खुद से बना रही है, फॉर एग्जांपल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कोई पार्लियामेंट जो एक्ट है, कोई पर्टिकुलर एक्ट है, वो अगर पार्लियामेंट खुद अपने
हाथों से बना रही है तो वो हमारा सुप्रीम लेजिस्लेशन कहलाएगा। एंड अदर लॉज मेड बाय द प्रेसिडेंट, मान लीजिए किसी हमारे प्रेसिडेंट ने ही अपने विजिलेंट बिहेवियर से लॉ बनाया या फिर गवर्नर ने ही लॉ बनाया, तो ये सब क्या है, ये हमारे सुप्रीम लेजिस्लेशन के अंदर आएंगे। ठीक है, एक आता है सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। अब सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वो होते हैं जो दूसरी अथॉरिटी बनाती है देन दी सॉवरेन। जो सॉवरेन है वो नहीं बना रही है बल्कि उसके बजाय दूसरी अथॉरिटीज बना रही हैं बाय द वर्च्यू ऑफ द पावर डेलीगेटेड टू इट। तो जो वो किस पावर से बना रही हैं, वो पावर से बना रही हैं जो पावर्स उनको दी गई हैं। ठीक है, जो पावर्स उनको प्रोवाइड कराई गई हैं वो उस पावर्स से बना रही हैं। ठीक है, by the sovereign and under the control of the sovereign. Basically, here the parliament or state legislature is not making the law. यहाँ पे parliament या state legislature law नहीं बना रहा है, since they are already overburdened, क्योंकि यहाँ पे वो particular खुद ही overburden है law से, तो एक दूसरी authority उसके लिए बना के दे रही है। ठीक है, they will make a skeleton लॉ एंड आस्क अनदर अथॉरिटी। वो क्या करेगी, वो एक स्केलेटन लॉ बना देगी। स्केलेटन लॉ मतलब वो एक ढांचा तैयार कर देगी लॉ का। अब वो बोलेगी दूसरी अथॉरिटी को, और मोस्टली कौन होते हैं, वो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। आपको पता है ना, दो तरीके के एग्जीक्यूटिव होते हैं। एक होते हैं हमारे जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, जिनको हम इलेक्ट करके लाते हैं जब गवर्नमेंट चूज करते हैं, और एक होते हैं हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, वो उनको ये पर्टिकुलर लॉ का जो स्केलेटन लॉ है वो दे दिया जाता है, और फिर वो उस पर बनाते हैं। ठीक है, वो उस पर पूरा एक तैयार करते हैं लेजिस्लेशन। तो वो पर्टिकुलर हमारे एग्जीक्यूटिव परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे सेक्रेटरी आ जाते हैं, जो हमारे IAS रैंक के लोग होते हैं, वो हो जाते हैं टू फिल दिस स्केलेटन एंड गिव इट लाइफ। और उस पर्टिकुलर स्केलेटन को फिल करते हैं, मतलब वो जो ढांचा उन्हें दिया है कि इस पर्टिकुलर लॉ पे बनाना है, ये पॉइंट्स मेन होने चाहिए, फिर वो अंदर उसका क्रक्स डालते हैं कि आखिर है तो क्यों। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो डालते हैं और उसमें लाइफ डालते हैं लॉ में, तो वो हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डर, डायरेक्शन, नोटिफिकेशन एक्सेट्रा मेड बाय द वेरियस अथॉरिटीज़। ठीक है, अलग अलग अथॉरिटीज़ बनाती हैं, रूल्स बनाती हैं, रेगुलेशंस बनाती हैं, डायरेक्शंस बनाती हैं, नोटिफिकेशन। और अथॉरिटीज़ होती कौन है, तो ये अथॉरिटीज़ होती हैं हमारी म्यूनिसिपैलिटी होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कॉरपोरेशंस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है। दीज आर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विच आर सब विच प्रिपेयर द सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। ठीक है, तो लेजिस्लेशन आपने समझा। देन अब हम देखेंगे रिलीजन क्या होता है। गिवन द डाइवर्सिटी फाउंड इन इंडिया, रिलीजन प्लेज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल इन रेगुलेटिंग पीपल। अब आपको पता है, इंडिया की डाइवर्सिटी देखते हुए आपको पता चल जाता होगा कि रेगुलेटिंग पीपल कितना ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रहते हैं बहुत तरीके के रिलीजन, उस रिलीजन के अंदर आती हैं पर्टिकुलर बहुत सारी कास्ट। ठीक है, तो ऐसी डाइवर्सिटी को संभालना इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और इसीलिए हमको सबकी ही प्रायोरिटी देनी पड़ती है इंडिया को। और इसी वजह से इंडिया का जो सेक्युलर का बिहेवियर है, ठीक है, जो सेक्युलर का इंडिया की मीनिंग है वो एकदम अलग है। जो हमारे प्रियम्बल में सेक्युलर वर्ड है, इसकी मीनिंग क्या है, नो रिलीजन इज ऑन द टॉप। मतलब क्या है कि कोई भी रिलीजन को हम पर्टिकुलर प्रायोरिटी नहीं देते, इक्वली सबको हम प्रमोट करते हैं। तो यहाँ पे इक्वालिटी हम मेंटेन करके चलते हैं। सिंस देयर इज अ स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेंस ऑफ द रिलीजियस प्रिंसिपल बाय द पीपल, रिलीजन इज अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ। अब देखिए, रिलीजियस प्रिंसिपल है लोगों के लिए, ठीक है, तो हम यहाँ पे रिलीजन को एक और सोर्स ऑफ लॉ मान के चलते हैं। और क्या है ये रिलीजन, तो इट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रिमिटिव पीरियड बिकॉज देयर वॉज एन एब्सेंस ऑफ रिटन लॉ। जब रिटन लॉ नहीं हुआ करते थे तो प्रिमिटिव पीरियड में यही रिलीजन हमारा एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया करते थे। ठीक है, बट इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रेजेंट टाइम ऑल्सो। लेकिन आज के टाइम में भी रिलीजन एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ रिटन लॉ। रिटन लॉ होने के बावजूद जो हमारा रिलीजन है उसका रोल अलग है,
फॉर एग्जाम्पल अगर हम हिंदू लॉ की बात करते हैं, आर फाउंडेड ऑन द कोड ऑफ मनु, ठीक है, तो हिंदू लॉ हमको कोड ऑफ मनु, जो मनुस्मृति है, उसके बेसिस पे कोडिंग उसकी दिखाई देती है कि किस तरीके से कोड डाउन किया गया है. जबकि जो मुस्लिम लॉ है आर बेस्ड ऑन दी होली कुरान. तो जो मुस्लिम लॉ है वो कुरान पे बेस्ड है, जबकि हिंदू लॉ मनु पे बेस्ड था. फिर हम साइंटिफिक कॉमेंट्रीज की बात करते हैं. तो साइंटिफिक कॉमेंट्रीज क्या है? दीज आर दी कॉमेंट्रीज बेसिकली अथॉरिटीज व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एंड गो फॉर योर फर्स्ट मैटर. ठीक है, जब आपने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया और पहले मैटर पे आप गए, यू विल नीड समथिंग टू प्रूव योर पॉइंट. तो आपको कुछ तथ्य चाहिए ताकि आप अपने पॉइंट को वैलिड बता सकूं, विच ऑफ कोर्स कांट बी थ्रू योर टेक्स्ट बुक. वो टेक्स्ट बुक में नहीं होने चाहिए, वो आपकी खुद की कॉमेंट्रीज होनी चाहिए. आर वॉट आर द साइटेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ. और यही जो कॉमेंट्रीज होती है ना, ये सुप्रीम कोर्ट भी कभी कभी देता है. ठीक है, खुद का सॉवराइन नेचर दिखाता है वो, जुडिशियल एक्टिविज्म दिखाता है कि वो क्या है. और वो कोई पर्टिकुलर बुक से उठाकर कॉमेंट्री नहीं लिखता, वो खुद की चीज़ों का, खुद का अपना इंटेलेक्ट यूज़ करके एक पर्टिकुलर कॉमेंट्री को तैयार करता है. ठीक है, अलॉन्ग विद द केस लॉस, केस को पर्टिकुलर मेंशन करते हुए. ठीक है, दे आर रिटन बाय एमिनेंट ज्यूरिस्ट. ये सब कौन लिखते हैं? ये सब हमारे एमिनेंट ज्यूरिस्ट लिखते हैं. एंड हेंस कोर्ट फील सेफ टू रिलाई ऑन देम व्हेन डिसाइडिंग अ मैटर. तो कोर्ट उनको सेफ फील करता है जब किसी पर्टिकुलर मैटर पे हम बात कर रहा होता है. नीचे के जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, जैसे हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट्स हो गए, जब किसी पर्टिकुलर मैटर पे बात चलती है, तो वो इनके कॉमेंट्रीज को पढ़ के अपने जो निर्णय हैं वहाँ तक पहुँच जाते हैं. फिर हम बात करते हैं इक्विटी की. ठीक है, तो द टर्म इक्विटी लिटरली मीन्स जस्टिस. इक्विटी का मतलब क्या है? जस्टिस, या फिर फेयरनेस अकॉर्डिंग टू गुड कंसाइंस. ठीक है, या फिर एक अच्छे कंसाइंस के लिए के साथ किया गया कार्य. ठीक है, व्हेन द एग्जिस्टिंग लॉ इज इनएडुकेट. मान लीजिए कोई पर्टिकुलर लॉ है और वो लॉ इनएडुकेट है, या फिर साइलेंट है ऑन अ पर्टिकुलर केस. कोई भी लॉ हो सकता है. ठीक है, आपका कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम्पल आप लो और देखो कि क्या वो सारे उसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन हो पा रहा है. ठीक है, और अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर वो क्या है? इनएडुकेट हुआ. दी जजेस अप्लाई देयर कॉमन सेंस. तो ऐसे में जजेस जो है अपना कॉमन सेंस अप्लाई करते हैं एंड फेयरनेस इन डीलिंग विद सच केसेस. तो वो दो यहाँ पे प्रिंसिपल लगाते हैं. तो देखिए क्या दो प्रिंसिपल लगाते हैं वो. एक लगाते हैं वो नेचुरल जस्टिस आर द पार्ट ऑफ इक्विटी. ठीक है, तो नेचुरल जस्टिस जो है, जिसको मैंने बताया था, जिसको हम ईयर्स नेचुरली भी बोलते हैं, ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं वो. और इसमें दो प्रिंसिपल्स आते हैं. एक आता है आपका ऑडी अल्ट्रम पार्टम. ठीक है, ऑडी अल्ट्रम पार्टम क्या होता है? हियरिंग बोथ दी पार्टीज टू अ केस. दोनों ही पार्टीज को, जो केस की दोनों ही पार्टीज हैं, मान लीजिए ए और बी दो पार्टीज हैं, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, तो इनकी दोनों की ही बातें सुनेगा, तो उसको हम बोलेंगे ऑडी अल्ट्रम पार्टम. और एक बोलते हैं नेमो ज्यूडिक्स इन कौसा. तो ये क्या है? नो वन शैल बी द जज ऑफ दियर ओन केस. कोई अपने ही केस का जज नहीं हो सकता है. ओके, सो दीज टर्म्स, टू टर्म्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो इनको आपको याद रखना है. यू कैन कोट इन योर आंसर. नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हो. देन हम बात करते हैं प्रेसिडेंट्स की. तो देखिए प्रेसिडेंट्स क्या होते हैं? तो प्रेसिडेंट्स कॉन्स्टिट्यूट अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ. ये जो प्रेसिडेंट्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ हैं. और अगर हम आर्टिकल 141 की बात करते हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेज डाउन द डॉक्ट्रिन ऑफ अ स्टेट स्टेयर डेसिसिस. तो जो हमारा आर्टिकल 141 है, वो डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डेसिसिस का एक पर्टिकुलर टॉपिक रखता है हमारे सामने, विच लेज डाउन द बाइंडिंग नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट्स. तो वो दिखाता है कि कैसे जो प्रेसिडेंट्स होते हैं, उनका नेचर बाइंडिंग होता है. एनी डिसीजन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट बिकम बाइंडिंग थ्रू आउट द कंट्री. कोई भी डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट दे रही है, वो कैसे पूरी टेरिटरी में
थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया बाइंडिंग हो जाता है एंड सच डिसीजंस आर कॉल्ड प्रेसिडेंट्स। तो इन्हीं डिसीजंस को हम कहते हैं प्रेसिडेंट्स, ठीक है। और ये किस कहाँ से आ रहा है, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीजंस से आ रहा है, जो कि आर्टिकल 141 में मेंशन है। एवरी कोर्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया मस्ट फॉलो इट। हर एक कोर्ट जो टेरिटरी ऑफ इंडिया में है उसको फॉलो ही करना है वो प्रेसिडेंट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दे रहा है। सिमिलरली द डिसीजंस ऑफ द हाई कोर्ट बिकम बाइंडिंग थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ दैट स्टेट। और जो हमारा डिसीजन है, ठीक है, हाई कोर्ट का, वो भी उन पर्टिकुलर स्टेट्स की टेरिटरीज पे बाइंड हो जाता है। एंड दैट इज द जनरल रूल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट। और यहीं से हमारा जनरल रूल निकल कर आता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट का, जो कि कहता है दैट एवरी कोर्ट इज बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ द कोर्ट सुपीरियर टू इट। तो जो कोर्ट सुपीरियर है उसके डिसीजन से बाइंडिंग होगा हमारा जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट अगर कोई कल को प्रेसिडेंट बनाती है तो वो बाइंड होगा हमारे सारे हाई कोर्ट्स पे, ठीक है। और वो जो हाई कोर्ट्स कोई प्रेसिडेंट बनाता है तो वो हमारे जितने भी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, सिविल कोर्ट्स हैं, ठीक है, फैमिली कोर्ट्स हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं, उन सब पे वैलिड होगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर स्टेट के। देन अगर हम टाइप्स ऑफ प्रेसिडेंट्स की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट्स कैन बी अथॉरिटेटिव। प्रेसिडेंट अथॉरिटेटिव हो सकते हैं, मतलब उनका बाइंडिंग फोर्स हो सकता है, मतलब कि अगर कोई पर्टिकुलर प्रेसिडेंट बनता है तो उसका बाइंडिंग नेचर होगा, उसको सबको ही फॉलो करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जजमेंट पास्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, तो जो भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट पास कर रहा है वो हमारा बाइंडिंग हो जाएगा, ठीक है, बाइंडिंग ऑन द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। जैसे परसुएसिव, दैट इज विच द जजेस आर अंडर नो ऑब्लिगेशन टू फॉलो इट। अब देखिए यहाँ पे आपको एक तो याद रखना है अथॉरिटेटिव नेचर हो सकता है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकंड आपको याद रखना है ये परसुएसिव भी हो सकता है, परसुएट करना, ठीक है। तो दैट इज विच द जजेस आर अंडर नो ऑब्लिगेशन। जजेस के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं लगा है, कोई ड्यूटी नहीं लगी है दैट दे शुड फॉलो, दे शैल और दे कैन नॉट, ठीक है। तो ऐसा उनके पास ऑप्शन रहता है टू फॉलो, बट विच दे कैन टेक इन टू कंसिडरेशन, फॉर एग्जाम्पल फॉरेन जजमेंट, ठीक है। उनको क्या कंसिडर करना है, वो फॉरेन जजमेंट्स कंसिडर करनी है जो कि दूसरी कंट्रीज अपनी कंट्री में अप्लाई कर कर एक सॉवरेन बन के रहती हैं और एक पीस और यूनिटी मेंटेन करके चलती हैं, तो वो फॉरेन जजमेंट्स को पढ़ सकते हैं। अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो यहीं से डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीसिस आता है, जो कि आर्टिकल 141 में मेंशन है। क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीसिस? व्हेन अ पॉइंट ऑफ लॉ हैज बीन वन सेटल्ड बाय द जुडिशियल डिसीजन। अगर एक पॉइंट ऑफ लॉ जुडिशियल डिसीजन से सेट हो जाता है, इट फॉर्म्स अ प्रेसिडेंट विच इज बाइंडिंग एंड मस्ट बी फॉलोड, ठीक है। तो वो क्या है, वो प्रेसिडेंट बन जाता है, प्रेसिडेंट का फॉर्म बन जाता है और वो हो जाता है बाइंडिंग और उसे फॉलो करना ही पड़ता है। तो स्टेयर ऑफ ये हमारा जो डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीसिस है, इसको आपको याद रखना है। देन हम बात करते हैं अपना रेशियो डेसिडेंट्स की, डेसिडाई की। तो देखिए रेशियो डेसिडेंडी क्या है, रेशियो डेसिडेंडी द फाइनल डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट। रेशियो डेसिडेंडी क्या है, वो फाइनल डिसीजन है जो कि कोर्ट देता है, दीज आर बाइंडिंग, ये भी हमारे बाइंडिंग होते हैं। देन बात करते हैं ऑबिटर डिक्टा की। तो ऑबिटर डिक्टा क्या है, रिमार्क्स ऑफ द जज नॉट नेसेसरी टू रीच अ डिसीजन बट मेड एज कॉमेंट्स, इलस्ट्रेशन और थ्रू आउट ऑब्जर्वेशन, दीज आर नॉट बाइंडिंग। ये ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आता है, कॉमेंट्स के बेसिस पे आता है ऑबिटर डिक्टा, और ये बाइंडिंग नेचर इसका नहीं होता है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम, थोड़ा इसके बारे में बस नॉलेज होनी चाहिए आपको। देन हम अपना नेक्स्ट सोर्स ऑफ लॉ बात करते हैं, दैट इज इंग्लिश लॉ। इंग्लिश लॉ क्या है, इवन दो द ब्रिटिशर्स मोस्टली रॉब्ड अस ऑफ मोस्ट ऑफ आर रिसोर्सेज, देव बीन एबल टू गिव अ लिटिल बैक इन रिटर्न। देखिए ब्रिटिशर्स ने हमको मोस्टली रॉब किया,
हमारी जितनी भी वेल्थ थी वो लेके वो चले गए, बट उनने जो थोड़ी बहुत चीज़ें इंडिया को दी हैं दैट इज़ देयर लॉ, ठीक है, वो अपने लॉज दे के गए, ठीक है, वो हमें अपनी सिविल सर्विसेज की जो कॉन्सेप्ट है वो दे के गए, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, माइन्यूट चीज़ें हैं जो कि वो दे कर भी गए, बट दे रॉब्ड आवर वेल्थ, ठीक है, दीज वॉज ओनली ऑन द लाइटर साइड. अब देखिए, ब्रिटिश लॉज हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ आवर लॉज. हमारे लॉज का बहुत सारा ऐसा इम्पैक्ट है जो आपको मतलब जो ब्रिटिश के लॉज हैं उनका इम्पैक्ट हमारे लॉज पे आपको आज भी देखने को मिलेगा, ठीक है, बट हैव वी हैवंट अप्लाइड देम ब्लाइंडली, लेकिन हमने उन्हें ब्लाइंडली अप्लाई नहीं करा है, उसको हमने मॉडिफाई कर कर अप्लाई किया है. वी हैव टेकन एन आइडिया फ्रॉम दीज लॉज, ठीक है, हमने बस एक आइडिया लिया है उनके लॉज से और उसको अपने तरीके से फोल्ड करने की कोशिश की है, फॉर्मुलेट करने की कोशिश की है. मैनी एक्ट सच एज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872, बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट छोड़ कर गई थी, जैसे कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 का, हमारी आज़ादी से पहले का, ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट ऑफ 1881, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है 1881 का, पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 वर इनैक्टेड, ठीक है, ये सब इनैक्ट किए गए व्हेन इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश राज, जब इंडिया ब्रिटिश राज के अंदर थे तो ये सारे लॉज ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए बनाए, विच आर आल्सो वी आर अप्लाइंग, ठीक है, लेकिन उसका मॉडिफाइड फॉर्म हम लोग अप्लाई कर रहे हैं. विद दिस वी नो दैट वी नो हाउ लॉज आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ठीक है, तो हमने ये चीज़ देखा सोर्सेज किस तरीके से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, सोर्सेज हमारे लॉज को डिफाइन करते हैं. और अगर आपको पर्टिकुलर अगर नहीं पता है कि आपके लॉज आए कहाँ से हैं तो आपको अवेयर होना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट वीडियो में हम डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ लॉ की बात करेंगे और उसमें मैं आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट लॉज बताऊंगी, वन इज सब्सटैंटिव लॉ, अनदर इज प्रोसीजरल लॉ, ठीक है, तो बने रहिए, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. जय हिंद.